हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसीपी। फ्रेंड्स, आज हम ब्राइडल साड़ी पे क्विक एंड इजी ब्यूटीफुल ग्रैंड साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो कलर के सिल्क थ्रेड लिए हैं। साड़ी में दोनों कलर है, सो हमने दो कलर सिल्क थ्रेड यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमने बिग साइज़ के पर्ल बीड्स यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बिग साइज़ के कोई भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, क्विक एंड इजी ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइन है। इन सभी साड़ी कुछ मटेरियल्स को आप ऑनलाइन कविता एंटरप्राइजेस से मंगवा सकते हैं। एड्रेस डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें साड़ी को पिको कर लेना है। उसके बाद इस टेप और मार्कर की मदद से पल्लू पे एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। आप डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो 1.5 इंच का डिस्टेंस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें कोई भी थिक बिग आई वाला नीडल या फिर क्रोशा लेना है। इस तरीके से जो हमने मार्क किया हुआ है, इसके बैक साइड से हमें इस तरीके से नीडल को पास कर लेना है। ये एक एक होल बन जाएगा। नेक्स्ट हमें 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। फ्रेंड्स, इन 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड को बनाने का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, वो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें ये जो हमने होल बनाया हुआ है, इसके बैक साइड से हमें नीडल को पास कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है, हमें साड़ी के फ्रंट साइड से वर्क स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमें लगभग 2 फिंगर से भी थोड़े से लॉन्ग थ्रेड्स लेने हैं। दोनों साइड से इन सिल्क थ्रेड को नीट करने के बाद जरी थ्रेड लेना है। हमने यहाँ पे 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है। सिल्क थ्रेड के बैक साइड से नीडल को पास करके जरी थ्रेड के इस नॉट में से भी नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाना है। उसके बाद इस तरीके से एक टर्न लेना है। इन सिल्क थ्रेड और जरी थ्रेड को नीट करते हुए एक और टर्न लेके साइड में हमें नॉट बनाना है। अच्छे से टाइटली एक नॉट बनाना है। नेक्स्ट हमें सिर्फ इस जरी थ्रेड में से 1 साइड से नीडल को हम पास कर लेंगे। इससे ये जो नॉट है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट हमें इस जरी थ्रेड को कट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो सिल्क थ्रेड है, तभी सिल्क थ्रेड को हमें थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें फैब्रिक ग्लू लेना है। इन सिल्क थ्रेड के सेंटर में 1 ड्रॉप थोड़ा सा ही हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। और अब नेक्स्ट हमें ये जो बिग साइज का पर्ल हमने लिया है, इस पर्ल को फैब्रिक ग्लू के ऊपर स्टिक कर लेना है। नीटली इस तरीके से स्टिक करने के बाद इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें फिर से इस तरीके से इस बीड के ऊपर कवर कर लेना है। और यहाँ पे इस बीड को हल्का सा प्रेस कर लेना है। इस तरीके से ये बीड अच्छे से सेट हो जाएगा। इन सभी सिल्क थ्रेड को फिर से हमें नीटली सेट करते हुए फिर से 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लेना है। और यहाँ पे अच्छे से टाइटली हमें इस जरी थ्रेड को टाई कर लेना है। फ्रेंड्स, इन सभी सारी कुछ मटेरियल्स को ऑनलाइन कविता एंटरप्राइजेस से मंगवा सकते हैं। शॉप का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, क्विक एंड इजी ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइंस और भी बनाए हुए हैं, उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। ऑल्सो लेटेस्ट साड़ी कुछ टसल्स डिज़ाइन का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो वीडियो के एंड में भी दे दिया है। फ्रेंड्स, इस सारे थ्रेड को हमें कट कर लिया है। नेक्स्ट हमें इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए इन्हें भी हमें ट्रिम कर लेना है। आप यहाँ पे नॉर्मल टैसल्स या फिर बेबी टैसल्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो नेक्स्ट वाला मार्क है, यहाँ से जो हमने होल बनाया हुआ है, इसके बैक साइड से नीडल को हमें पास कर लेना है। इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए इस तरीके से स्लोली हमें पास कर लेना है। इसके बाद लगभग 2 फिंगर जितने लॉन्ग सिल्क थ्रेड लेने हैं, इससे भी थोड़े लॉन्ग सिल्क थ्रेड लेने हैं। नेक्स्ट हमें जरी थ्रेड लेना है। इस जरी थ्रेड को अच्छे से हमें टाई कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस जरी थ्रेड को बहुत ही टाइटली अच्छे से टाई करना है। एक और टर्न लेते हुए साइड में हमें नॉट बनाना है। इस तरीके से 2 टर्न्स लेने के बाद एक नॉट बनाना है। और अब नेक्स्ट हमें साइड से नीडल को पास कर लेना है। इस जरी थ्रेड वाले नीडल को हमें पास कर लेंगे। और अब एक्स्ट्रा इस जरी थ्रेड को हमें कट कर लेना है। नेक्स्ट हमें ये जो सिल्क थ्रेड है, इन सिल्क थ्रेड को हमें इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। नीटली हमें स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद इन सिल्क थ्रेड के सेंटर में 1 ड्रॉप फैब्रिक ग्लू लगाना है। थोड़ा सा हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाया हुआ है, उसके ऊपर
इस तरीके से बिग साइज का एक पर्ल हमें इस पर स्टिक करना है। नेक्स्ट हमें इन सभी सिल्क थ्रेड को इस बीड के ऊपर अच्छे से कवर कर लेना है। बीड बिल्कुल भी दिखाई ना दे इस तरीके से हमें कवर करते हुए हल्का सा प्रेस करना है। नेक्स्ट हमें जारी थ्रेड लेना है और इस जारी थ्रेड को भी यहाँ पे अच्छे से टाई कर देना है। ये जो बीड है इस सभी सिल्क थ्रेड के अंदर नीटली टाई कर देना है। इस जारी थ्रेड और सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए एक और टर्न लेना है। उसके बाद साइड में हमें नॉट बनाना है और अब नेक्स्ट हमें अच्छे से टाई करने के बाद ये जो जारी थ्रेड है इस जारी थ्रेड के साइड से इस नीडल को हम स्लोली पास कर लेंगे। और अब नेक्स्ट हमें इस एक्सेस जारी थ्रेड को कट कर लेना है। और इसी तरीके से ये जो एक्स्ट्रा सिल्क थ्रेड है इन्हें भी हमें नीटली ट्रिम कर लेना है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो टसल्स बना लिए हैं। थोड़ा और इस टसल को हमें नीटली ट्रिम कर लेना है। इसी तरीके से बाकी सभी टसल्स हमें बनाने हैं। हमने यहाँ पे इस साड़ी पे 3 पिंक और 1 ग्रीन कलर का टसल्स बनाना है। नेक्स्ट हमें इसी तरीके से पूरे पल्लू पे टसल्स बनाते हुए वर्क को कम्प्लीट करना है। फ्रेंड्स हमें सभी टसल्स बनाते हुए वर्क को कम्प्लीट किया है। आप इतना ही डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर एक और स्टेप पे बनाते हुए इस डिज़ाइन को थोड़ा और ग्रैंड लुक दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पिंक कलर का कॉटन थ्रेड और एक नॉट डाल लिया है। जो साड़ी का कलर है सेम कलर का हमें कॉटन थ्रेड यूज़ करना है। ये जो ग्रीन कलर का टसल है इस टसल के बैक साइड से हमें नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद इस नीडल में हमें एक फ्लैट बीड पास कर लेना है। फ्रेंड हमें यहाँ पे कोई भी हो बस फ्लैट बीड यूज़ करना है। ये जो टसल है इस टसल के ऊपर ही इस बीड को हमें नीटली सेट करते हुए अच्छे से स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से जहाँ से हमने टसल्स बनाए हैं इस टसल के एग्जैक्टली ऊपर ही इस बीड को नीटली सेट करते हुए एक बार फिर से बैक साइड से नीडल को पास करते हुए इस फ्लावर बीड में से भी नीडल को पास करके एक बार फिर से इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये जो बीड है बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं होना है। इस तरीके से हमें नीटली स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हमें पल्लू को टर्न करते हुए पल्लू के बैक साइड भी एक दो और नॉट्स बनाते हुए अच्छे से हमें स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट हमें एक्स्ट्रा ये जो कॉटन थ्रेड है इसे हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स एक बीड टसल के ऊपर हमने बीड स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से इस डिज़ाइन को ग्रैंड ब्राइडल डिज़ाइन बनाने के लिए इस सभी टसल्स के ऊपर बीड स्टिच कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर के कहने पे ओनली ग्रीन कलर के जो एक एक टसल है इनके ऊपर बीड स्टिच करते हुए वर्क को कंप्लीट किया है। ऑल्सो विदाउट बीड्स भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।